बहुत अच्छा और सुचारू रूप से कैंप चल रहा है। 250 से ज्यादा 250 से ज्यादा लोगों का बेनिफिट हो चुका है। स्वीट होम अनाथ आश्रम नजफगढ़ नई दिल्ली, चश्मों का फ्री वितरण आई टेस्ट करने के बाद, दवाइयों का फ्री वितरण डॉक्टर की एडवाइस के बाद, ब्लड टेस्ट कैंप, इस तरह से सारी सुविधाएं यहाँ चल रही हैं। बहुत बैठने की अच्छी व्यवस्था है। अभी समय 12 बजे है और जैसे कि आज संजीव जी और सुरेंद्र जी हमारे बीच भी आए हुए हैं और कैंप चल रहा है। कैंप में सबके लिए आज तरबूज का पूरा बंदोबस्त किया गया है और सबको भरपेट तरबूज खिलाया जा रहा है। मैसेज दिया जा रहा है जो गर्मी है, लू है, इसमें लू से रिलेटेड फ्रूट खाया जाए और सबको थाली में भी भर भर के देने का प्लान है। काटते खाओ और औरों को भी खिलाओ। आज पेशेंट्स का ताता, डॉक्टरों को ब्रेक लेना पड़ा। आज हम आए हैं एराइज इंडिया के डायरेक्टर एवं स्वीट होम अनाथालय के फाउंडर अविनाश जैन जी के पास। तो बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार अविनाश जी, जैसा कि आज आपने ये कैंप लगाया है तो इस कैंप के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये कैंप हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जैसे जैन गुरु श्री सुदर्शन लाल जी महाराज हैं, जो कि जिनकी शताब्दी वर्ष चल रहा है, उसमें अनेकों कैंप लगाए जा रहे हैं। उसमें से एक स्वीट होम में लगाया गया जिसके अंदर आंखों की चेकिंग एवं उसके साथ साथ उनको सबको चश्मा फ्री दिया गया और जरूरतमंद के लिए फ्यूचर में जो कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है उसके लिए भी उनको टाइम दिया गया। साथ में ही डॉक्टर ने चेक करके दवाइयां दी और ब्लड टेस्ट हुआ, जो कि 300 से ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जैसे आप भीड़ देख ही रहे हैं, लोगों में बहुत उत्साह है और डॉक्टरों ने बड़े प्रेम के साथ उनको टेस्ट किया।